हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीमैस में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ चैप्टर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, आरडी शर्मा क्लास ए एक्सरसाइज 6.6। पिछली बार जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया था वो क्वेश्चन नंबर 1 तक थी, हमने उसमें बहुत सारी चीजें करी, आइडेंटिटी इस्तेमाल करी। आज जो हम क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए हैं, देखिए उसे क्या करते हैं। पढ़े, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल्स, इन बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट निकालना है। बड़ा आसान है, बहुत बच्चे बोलेंगे सर पहले तो 2x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस के y को इस पूरे से कर दो। बिल्कुल सही है, कोई गलत भी नहीं है, आराम से आ जाएगा आंसर। लेकिन देखो ध्यान से, जब कोई भी दो सेम चीज मल्टीप्लाई होती है, देखो ध्यान से, मैं 2 को 2 से करूं, y को y से करूं, 9 को 9 से करूं, तो देखो क्या होता है, अगर सेम चीज मल्टीप्लाई हो रही है हम उसके ऊपर 2 लगा देते हैं, क्योंकि जब दो सेम चीज दो बार मल्टीप्लाई हो रही है पावर 2 लग जाएगा। देखो 2 और 2 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 के ऊपर पावर भी 2 लगा सकते हैं। y और y सेम चीज दो बार मल्टीप्लाई हो रही है तो y के ऊपर पावर भी 2 लगेगी। सेम चीज 9 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 के ऊपर भी पावर 2। सेम यहां पर देखो, ये भी तो सेम है, 2x + y, 2x + y, तो ये भी तो दो बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ब्रैकेट का मतलब, तो 2x + y का होल स्क्वायर मैं ऐसे 2 नहीं लगा सकता, बताओ कोई दिक्कत। देखो x को x से मल्टीप्लाई करा, पावर 2 क्यों लगा? पहली बात तो देखो, ये सेम चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, क्लियर है, ऊपर से दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए पावर 2 लगा। सेम यहां पर भी देखो, ये 2x + y, 2x + y सेम है, सेम चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो हम एक बार लिखते हैं और पावर को 2 क्यों लगाया, क्योंकि दो बार मल्टीप्लाई है। अगर ये ऐसे 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा होता, मान लो ये ऐसे 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा होता, तो हम यहाँ पे पावर 2 नहीं लगाते, हम फिर पावर लगाते 3, जिसे हम क्यूब कहते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर नहीं है ऐसा, यहाँ पर पावर 2 लगाएंगे क्योंकि ये दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, क्लियर है। अब ध्यान से देखो इसे, अब मेरा क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है देख के पता चल रहा है आपको? पहली वाली आइडेंटिटी लग रही है, ठीक है बच्चों, तो लगाते हैं a + b² = a + b² = a² + b² + 2ab। मेरा जो ये क्वेश्चन है वो हमारा LHS में दे रखा है, RHS में देखा, देखो बेट ब्रैकेट और होल स्क्वायर, इसकी शक्ल देख के तो लग रहा है LHS, ठीक है बच्चों। अगर LHS में है तो हम किस में बदलेंगे? RHS में बदलेंगे, बदल दिया RHS में, कोई दिक्कत तो नहीं ना इस वाले पार्ट को होल स्क्वायर बनाया, पक्का? तो चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो जो ब्रैकेट में पहला वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? A, और जो ब्रैकेट में दूसरा वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? B, क्लियर है। तो RHS कह रहा है पहले A का होल स्क्वायर करो, तो कर देते हैं A का होल स्क्वायर, A का कर दिया, फिर प्लस लगाइए, B का होल स्क्वायर करो, B तो ये है y, इसका होल स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस लगाकर 2 को मल्टीप्लाई करो पहले A से, फिर मल्टीप्लाई करो B से, कर दिया। तो चलो आगे सॉल्व, 2 को दो बार करेंगे 4 और x को दो बार करेंगे x स्क्वायर, y का स्क्वायर, इन सबको करते हैं 2 2 4, x को y से करेंगे xy, साइन प्लस का होता है, देखो कर दिया। अब आप इन दोनों को अगर ऐसे करोगे ना, 2x लिखा फिर इस पूरे को, फिर प्लस का y लिखा और इस पूरे को, ऐसा नहीं है कि आंसर गलत आएगा, इस पूरे को सॉल्व करोगे आंसर यही आएगा। लेकिन मैंने आपको अब क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया है जहां पर आइडेंटिटी लग रही है, अब हम ज्यादातर कोशिश करेंगे आइडेंटिटी से ही करें, क्लियर है बच्चों? तो ध्यान रखना, ऐसी बात नहीं है मैं इन्हें मल्टीप्लाई नहीं कर सकता ना, नॉर्मल जो मैंने पहली वाली एक्सरसाइज में करा था ना 6.5, हम पहले इस वाले पार्ट को इस पूरे से करते थे, फिर इस वाले पार्ट को इस पूरे से, वैसे भी होगा आंसर सही आएगा, लेकिन हमें आइडेंटिटी को भी तो यूज करना है ना, कब यूज करेंगे तो हमें देख के चलना है, तो प्लीज इसे उतार दीजिए। तो बच्चों दूसरा पार्ट है, अब आप लोग देखेंगे इसे, आप लोग में से पता, आप लोगों को इनको मल्टीप्लाई करना है पहले a को इस पूरे से, प्लस 2b को, अरे बिल्कुल करेंगे यार, पहले देखते हैं, अगर आइडेंटिटी नहीं लगी तो फिर हमें वही करना अपना पुराना वाला तरीका, पहले इस वाले पार्ट को इस पूरे से, फिर इस वाले पार्ट को इस पूरे से, लेकिन पहले आइडेंटिटी तो देख ले। हमारे क्वेश्चन में दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, दिख रहे बच्चों आपको? ये दो ब्रैकेट ढूंढो पूरी आइडेंटिटी में कहां पर है, तो चलो मेरे साथ ढूंढते हैं। यहां पर तो कहीं दो ब्रैकेट नहीं है, यहां पर भी कोई दो ब्रैकेट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप इधर देखोगे तीसरे में और चौथे में, देखो ये रहे दो ब्रैकेट, और यहां पर भी देखो ये रहे दो ब्रैकेट, दिख रहे हैं? तीसरी आइडेंटिटी में मुझे दो ब्रैकेट दिख गए, चौथी आइडेंटिटी में भी मुझे दो ब्रैकेट दिख गए, अब कंफ्यूजन है तीसरी है चौथी है, लगाए देखें। अब जरा क्वेश्चन को देखो, यहां पर ब्रैकेट में दो नंबर कौन से है? ए और एक 2b, और इस वाले ब्रैकेट में भी वही दो है, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, चलो देखते हैं वहां पर, मतलब कि दोनों टर्म्स आपस में सेम होनी चाहिए, है ना?
यहाँ पर देखो x है और यहाँ पर अरे ये तो x भी हो गया, और देखो ये दोनों प्लस हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है। तो बच्चों दिख गया आपको तीसरी आइडेंटिटी, यहाँ पर a और b है, यहाँ पर भी a और b, एक में प्लस एक में माइनस, तो क्लियर हो गया कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। तो चलो एक काम करते हैं, फिर भी दोबारा आइडेंटिटी लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो दो ब्रैकेट, दो ब्रैकेट, ब्रैकेट में यहाँ पर ए टू बी, ए टू बी, यहाँ पर भी देखो ए बी, ए बी, मतलब ब्रैकेट में जो जो आ रहे हैं ना हमारी टर्म वो सेम सेम आ रही दोनों में, है ना। यहाँ पर भी ए बी आ रही, यहाँ पर भी ए बी, सेम यहाँ पर भी तो चल रहा है। यहाँ पर जो दो टर्म है वही उसी ब्रैकेट में भी है, एक में प्लस है एक में माइनस, तो यहाँ पर भी प्लस है यहाँ पर भी माइनस। मतलब मेरा जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में दे रखा है, LHS, RHS की फॉर्म में, LHS की, इस बार RHS की फॉर्म में दे रखा है, दे रखा है बच्चों। अगर RHS की फॉर्म में दिया है तो बदलेंगे इस बार LHS में, क्लियर है पक्का, तो चलो देखते हैं आगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं जो ब्रैकेट में ना पहला होता है, जो पहला नंबर होता है उसे ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं ए, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना इसको ए बोलते हैं, देखो जो ब्रैकेट में पहले पे आ रहा है उसे ए बोलते हैं, और जो दोनों ब्रैकेट में दूसरे स्थान पे आ रहा है उसे क्या बोलते हैं बी। ये भाई साहब हमारे हैं बी, और ये भी क्या है हमारा बी, दिक्कत ठीक है। तो चलो अब हम LHS पे बदलते हैं, क्यों, क्योंकि RHS की फॉर्म में है तो LHS बदलते हैं। LHS कह रहा है पहले तो ए का होल स्क्वायर करो, ए कौन है, ये ए ही है, इसका होल स्क्वायर करो, कर दिया बच्चों, फिर माइनस लगाना है। अब वो कह रहा है बी का होल स्क्वायर करो, बी कौन है टू बी, इसका भी होल स्क्वायर, खत्म, सॉल्व कर देते हैं। ए का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर मतलब इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, इसका भी, 2 का होल स्क्वायर 4 और b का होल स्क्वायर 2। तो दिस इज योर आंसर, देखो कितना आराम से हो गया, देखो आइडेंटिटी लगाने से आराम से हो गया, वरना हम पहले इसको इस पूरे से करते बेटा, करेंगे अगर आइडेंटिटी नहीं लगी तो प्लीज इसे उतार लीजिए। तो बच्चों अब हमारा तीसरा पार्ट आ गया, और तीसरे पार्ट में भी यही वाली आइडेंटिटी लगी, कैसे, ध्यान से लिखना। देखो दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, यहां पर भी दो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में जो टर्म आ रही है ना वो दोनों में सेम है, ए स्क्वायर बी सी, यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी सी, क्लियर है, एक प्लस हो रही है दूसरी माइनस, देखो ये कंडीशन है पूरी। हमारा क्वेश्चन है RHS की फॉर्म में, अब अगर इसे सॉल्व करना है ना तो आप LHS की फॉर्म में बदल दो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, अपने आप, आपको सिर्फ LHS की फॉर्म में बदलना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आपका RHS की फॉर्म में दे रखा है, तो आप LHS की फॉर्म में बदलोगे। LHS कह रहा है पहले a का होल स्क्वायर करो, लेकिन कौन है इनमें से a, बेटा कोई सा भी ब्रैकेट पकड़ लो, कोई सा भी, जो ब्रैकेट में पहला वाला होता है उसे क्या बोलते हैं a, तो भाई पहला वाला कौन है, ये a, ये a स्क्वायर, ये a, ब्रैकेट में जो पहला वाला होता है उसी को a बोलते हैं, तो चलो a, इसका हमने कर दिया होल स्क्वायर, कर दिया बच्चों a का होल स्क्वायर, फिर माइनस लगाओ, लगा दिया। अब इस b का होल स्क्वायर करो, b कौन है भाई, जो ब्रैकेट में दूसरा वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, बी, आप चाहे इसे बोलो ऐसे बोलो दोनों सेम ही है, बी ये भी इसका होल स्क्वायर, चलो इसे सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर को अगर दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर होगी 4, देख लो ए स्क्वायर को दो बार क्यों करा, पावर दो बजी ना, तो पावर पता चल गया ए की पावर 4 कैसे आई, ठीक है। अब माइनस ये होल स्क्वायर, इसका भी है इसका भी है, तो ये हो गया बी स्क्वायर और सी। अब बहुत बच्चे सोचते हैं सर आपने शायद से ज्यादा ब्रैकेट, नहीं बेटा ये दोनों को सॉल्व करके गया, मैं आपको एक तरीका और दिखा देता हूं, चलो मैं आपको दिखाता हूं कि ना अगर ना चलो मैं अगले वाले किसी पार्ट में और या फिर इस वाले पार्ट में भी अगर दिखाना चाहो तो दिखा देते, हम नॉर्मली इसे क्या करते थे, नॉर्मल एक और तरीका इसे करने का दिखाता हूं कैसे। पहले हम इस वाले पार्ट को इस पूरे से करेंगे, ए स्क्वायर को करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी सी, कर दिया। अब प्लस के बी सी को करेंगे इस पूरे से, चलो ठीक है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए 4 हो गया, इसको इससे करेंगे कितना आएगा, ए स्क्वायर बी सी प्लस माइनस, बी सी को इससे करेंगे तो वही आएगा, पहले ए स्क्वायर आएगा फिर बी सी प्लस प्लस, बी सी को इससे करेंगे देखो बी भी 2 और सी भी 2 प्लस माइनस माइनस। अब देखो लाइक टर्म कौन सी है आप इसमें देख सकते हो, ये ए स्क्वायर बी सी माइनस का, ए स्क्वायर बी सी प्लस का, कैंसिल हो गए। आंसर देखो क्या आ रहा है, ए की पावर 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हमारा यहाँ पर भी आंसर क्या है, सेम ही आया। आइडेंटिटी करने से आसान हो गया, और नॉर्मल तरीका थोड़ा मुश्किल है। अब जहां पर आइडेंटिटी लग रही है वहां पर करेंगे कि नहीं करेंगे, तो क्लियर है, देखो कोई दिक्कत तो नहीं, किस तरह अगर वाले तरीके से करते तो भी आंसर ये आता। मैं आइडेंटिटी क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि भाई हमें स्मार्ट बनना है ना, कब तक हम नॉर्मल तरीके से करेंगे, आइडेंटिटी भी तो इस्तेमाल करना सीखे,
तो क्लियर है, डाउट तो नहीं है कोई, तो बच्चों से उतार लीजिए, लेकिन ये वाला तरीका नहीं, इस वाले को उतार। तो गाइस फोर्थ पार्ट लेकर आ गए और आपको पता है यही लग रही है, देखो कैसे दो ब्रैकेट सिंपल है, ठीक है। 4x5 3y/4 यहां पर भी सेम वही है, एक माइनस में एक प्लस में, कंफ्यूज मत होना, आप सोचो कि सर यहां तो माइनस वाला बाद में प्लस वाला, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई आगे पीछे कुछ कोई दिक्कत नहीं, इसको आप यहां रख दो, इसको यहां रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर मैंने यहां पे प्लस और यहां माइनस इसको ऐसे ऐसे एक्सचेंज करूं तो भी कोई दिक्कत, क्योंकि 2 × 3 = 6 होता है और 3 × 2 = 6 होता है, मल्टीप्लाई करते हुए अगर डिजिट्स को आगे पीछे करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो आंसर वही आएगा, आएगा चलो ठीक है। अब भाई मेरा क्वेश्चन जो है वो RHS की फॉर्म में है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, क्यों देख लो दो ब्रैकेट है ये, देखो ऐसा चित्र तो यही दिख रहा है ना, यहाँ पे कोई ब्रैकेट ही नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन RHS की फॉर्म में है तो बदलूंगा किसमें, LHS में। LHS कह रहा है A का होल स्क्वायर करो, ये A है कौन पहचानो, जो दोनों ब्रैकेट में पहले स्थान पे उसे A बोलते हैं, देखो कौन है 4x/4, देखो दोनों ब्रैकेट में यही है पहले स्थान पे, इसका इस A का होल स्क्वायर कर दिया बच्चों। अब LHS कह रहा है माइनस करो, मैंने माइनस कर दिया। LHS कह रहा है B का होल स्क्वायर करो, लेकिन ये B होता कौन है जो दोनों ब्रैकेट में दूसरे स्थान पे, कौन है भाई 3y/4, ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर, A का होल स्क्वायर माइनस B का होल स्क्वायर, देखो ठीक है। 4 का 16, 5 का 25, x का x स्क्वायर, 3 का 9 आता है, y का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर, 4 का 16, तो दिस इज योर आंसर। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे, ऐसे होता है ना ये, फिर माइनस के पहले इस वाले को इस पूरे से कर दिया, फिर माइनस के 3y/4 को 4x/5+3, टेंशन मत लो मैं करूंगा नहीं, इसको करने के बाद आंसर यही आएगा, सेम यही आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जब आइडेंटिटी इस्तेमाल हो तो कर लो ना यार, चलो उतार दीजिए सर। तो बच्चों आप देख सकते हैं फिफ्थ पार्ट पे हम आ गए हैं, दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, आइडेंटिटी हमारी यही वाली लग रही है, हमारी तीसरी वाली, और यहाँ पर क्वेश्चन मेरा RHS की फॉर्म में है, देख लो आप 2x 3y, यहाँ पर भी 2x 3y, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, सेम कंडीशन है RHS है, RHS में क्वेश्चन है, हम उसे LHS में बदलेंगे। तो पहले हम करेंगे A का होल स्क्वायर, और A कौन होता है जो दोनों ब्रैकेट में पहले स्थान पे है, कौन है पहले स्थान पे, 2x, यही हमारा A, इसका कर दिया होल स्क्वायर। अब माइनस लगाएंगे B का होल स्क्वायर करने, B कौन है जो दोनों ब्रैकेट में दूसरे वाले स्थान पे होता है, कौन है 3/y, कोई दिक्कत, 2 का होल स्क्वायर 4, x को दो बार मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, 3 को दो बार करोगे 9 और y को करोगे y स्क्वायर, तो दिस इज योर आंसर। तो बेटा यहां पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं, तब तक के लिए टाटा सी यू बाय बाय, जब तक हम अगली वीडियो नहीं लेकर आते, और प्लीज आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स और फ्रेंड से आप इस DMAS के चैनल को बता सकते हैं इसके बारे में, ताकि बच्चे पढ़ पाएं, ठीक है। तो चलिए अलविदा लेते हैं, बाय।